हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवी इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 15, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का गीत। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम एक एक करके हल करेंगे बच्चों। चलो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न उत्तरों की ओर बच्चों। अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं, जो है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जैसा कि हम इस प्रश्न में देख रहे हैं बच्चों कि हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के अर्थ हमें खोजकर अपनी पुस्तक से लिखना है। तो अब मैं एक एक करके इनके अर्थ आपको बताता हूँ। अच्छा, जो पहला शब्द है वो भंडारा, उसका अर्थ है भंडार गृह। दूसरा शब्द है चेतन, चेतन का अर्थ है सजीव। वन फूल का अर्थ है जंगल के फूल। पोरा पोरा का अर्थ है कण कण। वृक्षा का अर्थ है ब्रज। हुलसे का अर्थ है बच्चों प्रफुल्लित या फिर उत्साहित। ऋचाएँ का अर्थ है वेद मंत्र। ढालें का अर्थ है अपनाएं। ध्रुपद सुता का अर्थ है राजा ध्रुपद की पुत्री। पाथर का अर्थ है पत्थर। सोम का अर्थ है अमृत। गाथा का अर्थ है कथा। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है? उत्तर, सांची में गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है। ख, मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं? उत्तर, मालवा की धरती पर भोज और विक्रमादित्य राजा हुए हैं। ग, मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष कहाँ मिलते हैं? उत्तर, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में पुरातत्व अवशेष मिलते हैं। घ, कविता में किन किन स्थानों का चित्रण हुआ है, लिखिए। उत्तर, कविता में सांची, उज्जैन, पंचमणी, ग्वालियर, खजुराहो आदि स्थानों का चित्रण हुआ है। अणा, मध्य प्रदेश की विशेषताएं दर्शाते हुए 5 वाक्य लिखिए। उत्तर, 1, मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। 2, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा के भरपूर भंडार हैं। 3, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। 4, मध्य प्रदेश में बिजली के भारी यंत्र बनाए जाते हैं। 5, मध्य प्रदेश में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं। 4, पंचमणी किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, पंचमणी अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और पांडव गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए हैं, दंडक, अगस्त्य, विक्रम। इन पर हमें टिप्पणी लिखना है। जैसा कि पहला जो शब्द है हमारा वो है दंडक। दंडक पर टिप्पणी हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में दंडकारण्य पठार के अंतर्गत दंडक वन स्थित है। कहा जाता है कि वनवास के दिनों में भगवान श्री राम दंडकारण्य पहुंचे थे और यहीं भील जाति की स्त्री सबरी ने अपने झूठे बेर खिलाकर उनका स्वागत सत्कार किया था। अब बच्चों, हम जो दूसरा शब्द है अगस्त्य, उस पर हम टिप्पणी देखेंगे। अगस्त्य, यह प्राचीन समय के प्रसिद्ध ऋषि थे। इन्होंने पवित्र वेद मंत्रों की रचना की। कहा जाता है कि एक बार समुद्र देवता से क्रोधित होकर यह उसका संपूर्ण जल पी गए थे। बाद में इनका क्रोध शांत होने पर जब देवताओं ने उन्हें समझाया तो इन्होंने समुद्र का जल वापस किया। इसी कारण समुद्र का जल आज तक खारा है। अब हम तीसरे शब्द पर चलते हैं बच्चों, विक्रम। तो इसकी टिप्पणी हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। इन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया। यह भारतीय इतिहास में अपनी न्याय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार से आप तीनों शब्दों पर टिप्पणी कर सकते हैं बच्चों। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। जैसा कि इस प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें 3 पंक्तियाँ दी हैं, तो उन पंक्तियों का हमें एक एक करके अर्थ समझाना है। तो मैं आपको बताता हूँ आप इसका अर्थ कैसे लिख सकते हैं बच्चों। बच्चों, जो पहली पंक्ति है वो है पांव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा। इसका अर्थ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश के पैरों में अर्थात नीचे के जिलों बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट में खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और आसपास के जिलों इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, सतना, रीवा, सीधी में अन्न उगाया जाता है। बच्चों, जो दूसरी पंक्ति है वो है गांधी सागर की गरिमा ने घर घर में दीप उजाले हैं।
इसका अर्थ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, गांधी सागर बांध पर उत्पन्न जल विद्युत के कारण मध्य प्रदेश के घर घर में उजाला हुआ है। बच्चों जो तीसरी पंक्ति है वो इस प्रकार है, हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश। इसका अर्थ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश देश के हृदय में अर्थात मध्य में स्थित है और भारत देश हमारे हृदय में बसा हुआ है। बच्चों अब हम इस पाठ की प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। जैसा कि हम पहले रिक्त स्थान को देख रहे हैं बच्चों, उज्जैनी में डैस का प्रसिद्ध मंदिर है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है महाकालेश्वर और दूसरा है ओंकारेश्वर। तो इसमें से जो महाकालेश्वर वाला होगा वो हमारा रिक्त स्थान में आएगा बच्चों। तो बच्चों हमारा जो उत्तर हो जाएगा पहले वाले का वो हो जाएगा महाकालेश्वर। दूसरा हमारा रिक्त स्थान है वो है बौद्ध स्तूप डैस में स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा सांची। तीसरा है भगवान राम ने सबरी के डैस खाए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों बेर। चौथा है ग्राम स्वराज डैस का सपना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों गांधी जी का। पाँचवा जो है विंध्याचल डैस में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों मध्य प्रदेश। विंध्याचल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, तो उसके हमें शुद्ध उच्चारण करना है। जैसे पहला जो शब्द है हमारा वो है माँ, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है सांची, चौथा है दंडक, पाँचवा है सत्कार, छठा है विशेष, सातवा है अगस्त्य, नवा है ऋचाएँ, दसवा है विंध्या, ग्यारहवा है पुरातत्व, बारहवा है अवशेष, तेरहवा है स्वराज। जिस प्रकार से मैंने इन्हें बोला है उसी प्रकार से आपको भी इसे बोलना है बच्चों। अब बच्चों अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे पहला दिया है हमें नदी, दूसरा दिया है घर और तीसरा दिया है धरती। तो इनके हमें 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। वो कैसे लिखना है बच्चों मैं आपको बताता हूँ। बच्चों जो नदी का पहला पर्यायवाची होगा वो है सरिता, दूसरा है तरंगिणी, तीसरा है टटनी। घर का पहला पर्यायवाची होगा बच्चों गृह, दूसरा होगा सदन, तीसरा होगा भवन। धरती का पहला पर्यायवाची होगा बच्चों भू, दूसरा होगा धरा, तीसरा होगा वसुंधरा। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है नीचे बने चौखाने में कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द लिखे हुए हैं, आप शब्द और उनके विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। जैसा कि हम यहाँ इस चौखाने में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ हमें कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें हम एक एक करके शब्दों को अलग और विलोमों को अलग छांट कर लिखेंगे बच्चों। बच्चों अब हम इस प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। सबसे पहले इस साइड हम शब्द लिखेंगे, फिर उनके विलोम लिखेंगे। जो हमारा पहला शब्द है वो है बच्चों गुण, उसका विलोम हो जाएगा अवगुण। दूसरा है धर्म, विलोम है अधर्म। तीसरा है पश्चिम, पश्चिम का विलोम हो जाएगा पूर्व। चौथा है चंद्रमा, चंद्रमा का विलोम हो जाएगा सूर्य। फिर यहाँ पर हम शब्द और उसके विलोम लिखेंगे बच्चों। मृत्यु, मृत्यु का विलोम है बच्चों जन्म। अंत, अंत का विलोम होगा बच्चों प्रारंभ। प्रतिकूल, प्रतिकूल का प्रारंभ विलोम है अनुकूल। गुरु, गुरु का विलोम है शिष्य। बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, जो है पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो हमें कुछ शब्द इस तरफ दिए हैं और दूसरे शब्द इस तरफ दिए हैं, तो इन्हें इस साइड वाले शब्दों को हमें दूसरी साइड वाले शब्दों से सही जोड़ी बनाना है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जो पहला हमारा जो शब्द है वो है बच्चों गौतम। गौतम का, गौतम क्या है बच्चों, ये भगवान बुद्ध का एक नाम है। जो भगवान बुद्ध हैं उनका एक नाम है गौतम, तो इसे हम गौतम को मिला देंगे भगवान बुद्ध के नाम से, ठीक है बच्चों। दूसरा जो शब्द है हमारा वो है सबरी। सबरी क्या है, एक भील जाति की एक संत महिला का नाम है सबरी, ठीक है बच्चों। तो इसे हम सबरी को इससे मिला देंगे भील जाति की एक संत महिला से। तीसरा है सोम। सोम हम बोलते हैं अमृत को, ठीक है बच्चों, जो कि प्राचीन समय में एक पेय
पिया जाता था उसे हम सोम बोलते थे, ठीक है बच्चों। तो इसे हम सोम को बुला लेंगे, प्राचीन समय में पिया जाने वाला एक पेय। अब अगला शब्द है वो है पुरातत्व। पुरातत्व मतलब वे वस्तु या फिर स्थान जो बहुत पुराने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुरातत्व। तो इसे हम मिला देंगे इससे बच्चों, वे वस्तु वस्तुएं स्थान आदि जो बहुत पुरानी हो। अब आखिरी जो शब्द है वो है द्रुपद सुता। तो राजा द्रुपद की पुत्री को द्रुपद सुता बोलते हैं बच्चों। तो आखिरी को हम इससे मिला देंगे राजा द्रुपद की पुत्री। तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्न क्रमांक 4 हल हो जाए बच्चों। अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे जो है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं ये पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। तो जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है बच्चों उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों इस जगह पर हमें कुछ शब्द स्त्री जाति के और कुछ शब्द पुरुष जाति के दिए गए हैं। तो हमें जो स्त्री जाति के शब्द हैं उन्हें इस कॉलम में लिखना है यहाँ से छाट कर, और जो पुरुष जाति के शब्द हैं उसे यहाँ पर लिखना है इस कॉलम में से छाट कर बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम एक एक करके छाट कर लिखते हैं बच्चों। स्त्रीलिंग का जो पहला शब्द है बच्चों वो है सेठानी, दूसरा है भीलनी, तीसरा है शेरनी, चौथा है काली, पांचवा है लड़की, छठा है सबा। अब बच्चों हम पुल्लिंग जाति के शब्दों को छाट कर दूसरी तरफ लिख देते हैं बच्चों। जो पुल्लिंग का जो पहला शब्द है वो है सेठ, दूसरा है भील, तीसरा है शेर, चौथा है काला, पांचवा है लड़का, छठा है समूह, सातवा है मुखिया, आठवा है देवर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल होता है। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।